थाना फर्श बाजार और थाना सादरा की ज्वाइंट टीम ने अलीपुर एरिया से सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के गोदाम पर मारा छापा। तीन को गया गिरफ्तार। आप देख सकते हैं कि थाना फर्श बाजार और थाना सादरा की टीम ने एक अच्छा काम किया है। वहीं सादरा जिला के डीसीपी आर सात्य सुंदरम ने बताया कि 4 मई को थाना फर्श बाजार में एक शिकायत रिसीव हुई थी, जो राधा बल्लभ सेवा संघ के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं, जो मुफ्त में ऑक्सीजन देती हैं जरूरतमंदों को, जो कि जिनके मरीज हैं वो ठीक हो सकें, इसीलिए वो सिलेंडर और खरीद रही थी। जो बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर वर्षा इंजीनियरिंग, जो कि अलीपुर कॉलोनी में है, उनसे उन्होंने खरीदा, जहां पर उन्होंने बताया कि हमने 5500 रुपये प्रति 4.5 लीटर सिलेंडर, और जब हमने उसी से दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने दोबारा से 13000 रुपये प्रति 4.5 लीटर सिलेंडर मांगा, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की, जहां पता लगा कि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे और कुछ सिलेंडर उसमें फायर जो आग बुझाने वाले थे, और कुछ जो घरों में जो रसोई गैस यूज होती है वो सिलेंडर थे जिनको उन्होंने मॉडिफाई कर रखा था काला पेंट लगा के कि ये ऑक्सीजन के हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सारी गैसें आती हैं। जिसके बाद एक टीम बनाई गई जो कि थाना सादरा और थाना फर्श बाजार की ज्वाइंट टीम थी, जिसमें हम बता दें कि ACP की निगरानी में जो कि जो SI हैं धीर सिंह, हेड कॉन्स्टेबल हिटलर और कांस्टेबल लोकेश जो थाना फर्श बाजार से हैं, वहीं SI वेद प्रकाश, कांस्टेबल राकेश और कांस्टेबल जो थाना सादरा से हैं, जहां की इंस्पेक्टर प्रहलाद मातम और SHO फर्श बाजार निरीक्षण मंगेश गेदाम के देखरेख में ये टीम बनाई गई, जिसके बाद खसरा नंबर 462 अलीपुर पहुंची, जहां पर गैस सिलेंडरों को काले रंग में रंगने लगे थे। उसके बाद वहां पर देखा तो कुछ लोग वहां पर नज़र आए थे, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके आरोपी की पहचान रवि शर्मा और दूसरे मोहम्मद अब्दुल और तीसरे शंभुशाह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इनके पास से काफ़ी मात्रा में इनके पास से सिलेंडर भी बरामद हुए हैं, जिसमें पुलिस ने इनके पास से 532 जो फायर आयरन गैस हैं, इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉनिक जेंडर हैं, साथ में 49500 रुपये भी बरामद की हैं। बहरहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।